नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इकोनॉमिक रिव्यू में। मैं हूं घनश्याम और हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, और आज की कक्षा में हम बात करेंगे जल संसाधन के टॉपिक पर। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक रिव्यू की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो RS जंक्शन जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है आप इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को परखें कि आप किस लेवल पर वर्तमान में हैं। तो जल संसाधन की बात करते हैं। कृषि क्षेत्र में जल संसाधन का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसी क्रम में राज्य सरकार का ये प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रकार की जो सिंचाई योजनाएं हैं उनके माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो राज्य में दिसंबर 2020 तक पिछले वर्ष की तुलना में 9500 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई सुविधा दी गई है। कुल मिलाकर के 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है, तो टोटल 342 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हमारे यहाँ पर है भूमि, उसमें से 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वर्तमान में सिंचाई सुविधा है। हालांकि ये कुल भूमि का मात्र 12-13% ही है, लेकिन फिर भी जो स्कैरसिटी हमारे यहाँ पर है ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सी योजनाएँ हमारे यहाँ पर चल रही हैं जिनके माध्यम से जो है किसानों को पानी की व्यवस्था की जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, वृहद योजनाएं, मध्यम योजनाएं और लघु। तो वृहद योजनाओं की बात करें तो कुल 7 योजनाएं ऐसी हैं जिनको हम वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत रखते हैं। इनमें नर्मदा नहर परियोजना, परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, नवनेरा बांध जो कि ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में है, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर और पीपलकोट। ये 7 योजनाएं वृहद योजनाओं में आती हैं, ये आप इनके नाम याद रखने। इसके बाद आती है मध्यम योजनाएं। तो मध्यम योजना या जो मिड की योजनाएं हैं, मीडियम साइज़ की, उनमें 6 योजनाएं हैं। गरदड़ा बांध की परियोजना, ताकड़ी परियोजना, गागरीन परियोजना, लहासी, राजगढ़ और हथियादेव, ये 6 परियोजनाएं जो है मध्यम परियोजनाओं में है। जबकि 46 लघु सिंचाई परियोजनाएँ भी पूरे राज्य भर में काम कर रही है। अब इनमें से कुछ बड़ी परियोजनाएं जो है उन पर हम बात कर लेते हैं। परवन योजना की बात करें तो ये बहुउद्देशीय, मतलब न केवल सिंचाई बल्कि इसके साथ पीने के पानी, विद्युत उत्पादन, ऐसे सारे काम इसमें होते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा इसे झालावाड़ के निकट परवन नदी पर बनाया जा रहा है। परवन नदी पर इसके बनने के बाद परियोजना के अंतर्गत 1821 गाँवों में पेयजल की सुविधा मिलेगी, जबकि झालावाड़, बारा और कोटा के 2 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र में 637 गाँवों को सिंचाई के लिए भी पानी मिल पाएगा। इस परियोजना से तापीय विद्युत परियोजना हेतु 79 मिलियन घन मीटर जल उपलब्धता भी होगी। तो कोटा थर्मल जो है वहाँ पर ये पानी की सप्लाई भी करेगा, जिससे 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा जानकारी हो गई परवन नदी परियोजना के बारे में। क्या क्या है? पेयजल के लिए है 1821 गाँवों में, 637 गाँव की 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई, और 79 मिलियन वाटर तापीय विद्युत परियोजना, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है उसके लिए दी जा रही है। दूसरी आती है हमारी नर्मदा नहर परियोजना। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जालौर और बाड़मेर जिलों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था इसमें की गई है, जिसमें केवल स्प्रिंकलर अर्थात फव्वारों के माध्यम से ही सिंचाई की जाएगी। तो पहली ऐसी परियोजना है जहाँ पर फव्वारों का प्रयोग किया जा रहा है। 2-3 बार यहाँ से प्रश्न भी आ चुका है। ये जो योजना है, इस योजना पर काफ़ी पैसा अब तक खर्च हो चुका है और लगभग ये परियोजना पूरी हो चुकी है। इसके बाद अगली योजना है नवनेरा बैराज। दरअसल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग भी लगातार राजस्थान सरकार कर रही है। इस पर RS 2018 में एक प्रश्न भी पूछा गया है। परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का ही एक हिस्सा है। नवनेरा बैराज जो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है? दरअसल दक्षिण राजस्थान की जो नदियां हैं वहां पर लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी की जो है आवक होती है, और ऐसे में जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जिसमें आपके जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, इस तरह के जो ज़िले हैं, ऐसे 13 ज़िलों को पानी की सप्लाई करने के लिए जो हमारी दक्षिण राजस्थान की नदियों का सरप्लस वाटर है उसको कैनाल के माध्यम से अन्य नदियों में ट्रांसफ़र करने की बात इसमें की गई है। तो नवनेरा बैराज इसमें बनाया जा रहा है कोटा में कालीसिंध नदी जो है उसके किनारे। ये नवनेरा बैराज के माध्यम से पानी को रोका जाएगा और फिर केनाल के माध्यम से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये है इम्पोर्टेंट ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट।
इसके बाद आता है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP। योजना लगभग 27 जिलों में उपस्थित 137 सिंचाई परियोजनाएं जो पहले से हैं उनमें पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन और नवीनीकरण, ठीक है, ये दोनों काम इसमें किए जा रहे हैं। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का प्रयोग करके सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा करके लोगों की आजीविका में सुधार करना मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना से बहुत बड़ा क्षेत्र, लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है उसको पानी की सप्लाई होगी और इसको आगे बढ़ाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी अर्थात जायका से ऋण की व्यवस्था भी की गई है। परियोजना लगभग 8 वर्ष की अवधि के लिए होगी और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 2348 करोड़, लगभग 2500 करोड़ रुपए के करीब मानी गई है। तो इसमें जो 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें भाखड़ा नहर प्रणाली, गुड़गांव नहर प्रणाली सहित जो हमारे 27 जिले हैं उनमें छोटी मोटी जितनी भी योजनाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है। उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको आपको याद नहीं करना, केवल आप ये आंकड़ा याद रखें कि 27 जिलों में 137 परियोजनाएं राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना में ली गई है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। अगली हमारी योजना आती है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। तो हमारी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसी परियोजना में बदलाव करके उसका जो फर्स्ट चरण था, फर्स्ट फेज जो था, उसके पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है, वहाँ से वित्त पोषण इसका करवाया गया है, जिससे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जो पश्चिमी जिले हैं उनको लाभ मिल सके। 3200 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षों में इस योजना को पूरा किया जाएगा और जो वर्तमान में हमारे इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहरें हैं उनके जीर्णोद्धार का काम इसमें किया जाएगा। इसके अलावा जो जल भराव वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वहाँ पानी इकट्ठा होने से जो सेम की समस्या हो गई उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जल का अच्छी तरह से प्रयोग हो उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई का भी यहाँ पर बढ़ावा किया जाएगा, जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति से सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारा का सारा कौन सी योजना में है? राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना में। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही जुड़ा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से इसको फंडिंग मिली है और इसमें कुल मिलाकर के 10 जिले जो हैं उनको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आती है आपकी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। दोस्तों हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे बांध है जहाँ से पानी का प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है और बड़ी मात्रा में पानी वेस्टेज चला जाता है। इसी को देखते हुए हमारा जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जो है उसने विश्व बैंक के साथ मिलकर के राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना में कुल 128 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 8 वर्ष की अवधि में से पूरा किया जाएगा और इसकी अवधि है 2016-17 से 2023-24। इसमें भी राज्य भर के जो 147 स्वचालित वर्षा मापी, ठीक है, और 112 स्वचालित नदी बांध गेज संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक तो पानी का लेवल नापना और दूसरा जो पानी छोड़ा जाता है उसको ऑटोमेटेड करना। तो इसके लिए सैटेलाइट का प्रयोग करके ऑनलाइन डेटा इकट्ठा करके और फिर जल का प्रबंधन किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने पानी को छोड़ना है। और इसीलिए सबसे पहले राज्य का जो बीसलपुर बांध है जो कि जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के लिए पीने के पानी की सप्लाई करता है उस पर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन अर्थात स्काडा प्रणाली जो है उसकी स्थापना की गई है। ये स्काडा प्रणाली का प्रयोग करके वहाँ पर जो पानी है उसको सुचारू रूप से प्रबंधित किया जाता है। इसी में गुड़ा बांध जो बूंदी में है, जवाई बांध पाली में है, नर्मदा नहर परियोजना सांचौर, जालौर, गंग नहर और भाखड़ा नहर और हनुमानगढ़ की जो नहरें हैं उनमें भी स्काडा सिस्टम को स्थापित किया जा रहा है। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड एग्जीबिशन सिस्टम जो हमारा स्काडा है उसको इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि पानी को वेस्टेज ना भेज करके और जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में प्रयोग किया जा सके, ये काम इसमें हो रहा है। इसके बाद हमारी अगली योजना आती है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बजट 2020-21 में राज्य के जो बड़े बांध हैं जो पुराने हो चुके हैं उनके जीर्णोद्वार, उनके आधुनिकीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। योजना के प्रथम चरण में कुल मिलाकर के 7 बांध हैं जिनको लिया जा रहा है। बांधों में बड़े बड़े बांध हैं जैसे कि बीसलपुर जो कि टोंक में है, छापी बांध जो झालावाड़ में है, जवाई बांध पाली में,
सुकड़ी सेलवाड़ा बांध सिरोही में, माही बांध और गंभीरी बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और मात्र कुंडिया बांध जो कि भीलवाड़ा में है, उन सभी बांधों का जो है सही तरीके से मैनेजमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा और भी 6 बांध हैं जैसे कि राणा, प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बेराज, रायपुर लूनी बांध जो कि पाली में है, छपरवाड़ा बांध जो कि जयपुर में है, और पांचना बांध जो कि करौली में है। इनकी DPR अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो भी केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। इनमें से 4 जिनमें राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बेराज और पांचना है, इनकी DPR को विश्व बैंक ने अनुमोदित भी कर दिया है। अब हमारे जो लगातार प्रयास हो रहे हैं उनसे वर्तमान में जो ड्रिप परियोजना है उसमें भी जो 18 राज्य हैं उनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है कार्य करने में, अर्थात ड्रिप के लिए अनुदान देकर के लोगों को ड्रिप प्रणाली को लागू करने के लिए जो भी प्रयास है उनमें राजस्थान सबसे पहले स्थान पर है। सरकार के किए गए इन कार्यों की वजह से बहुत से पुरस्कार भी हमको मिले हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की बात करें तो इसमें 2018 में राज्य को 18वां स्थान मिला था जो कि अब 2020 में दूसरा स्थान हो गया है। 11 नवंबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत उत्तम राज्य की श्रेणी में भी राजस्थान को सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा 2020 में राज्य को जल प्रबंधन के लिए भी 2 पुरस्कार दिए गए हैं। ये सारे के सारे नवाचार जो भारत हमने राजस्थान में किए हैं उनके परिणाम स्वरूप हमको पुरस्कार प्राप्त हुए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर। तो नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना काफ़ी सालों से पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है और इसके अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र को जो है पानी की उपलब्धता करवाई गई है। बहुत से अन्य चरणों में भी इसमें काम चल रहा है। इंदिरा गांधी नहर पर हम एक डिटेल्ड क्लासेस भी लेंगे, तो यहाँ पर केवल जो वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें, मैं इसको रिपीट करूँ उसका कोई मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी नहर को हम अभी के लिए छोड़ेंगे क्योंकि अलग से इसके लिए पूरी की पूरी एक क्लास मैं लेने की कोशिश करूँगा जब कभी मुझे समय मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं इसके उद्गम से लेकर के और इसकी अलग अलग लिफ्ट नहरें और बाकी अन्य नहरें जो हैं उनसे काफ़ी प्रश्न प्रीलिम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की भागीदारी में एक अवार्ड दिया जाता है, एल्टस वाटर इनोवेशन अवार्ड। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर मंडल को अग्रणी स्टेट वाटर बोर्ड की श्रेणी के लिए अगस्त 2020 में पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे एल्टस वाटर इनोवेशन अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया गया है, तो वो है हमारा इंदिरा गांधी नहर मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूजल की। दोस्तों राजस्थान में भूजल की काफ़ी कमी है और जो भी पानी हमारे पास उपलब्ध है उसमें भी काफ़ी मात्रा में लवण मिलावट देखने को मिलती है, और इसीलिए चूंकि पानी का प्रबंधन हमको करना है, सूखा प्रबंधन करना है, तो जैसा मैंने बताया राज्य में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना लागू की गई है विश्व केंद्र के माध्यम से, और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पानी जो हमारे पास है उसका बेहतर प्रबंधन किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना को भी भारत सरकार और विश्व बैंक मिलकर के 50% 50% की राशि के साथ देश के 7 राज्यों जिनमें हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, वहाँ पर भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए लागू किया गया। अब देखो ये 2020 का योजना है, 1 अप्रैल 2020 से इसको शुरू किया है, तो ऐसे में इनसे प्रश्न बनना लाजमी है। इस योजना की अनुमानित लागत है 6,000 करोड़ रुपए और राजस्थान को मिलेंगे 1,189 करोड़। 5 सालों तक ये योजना रहेगी, 2021-22 से 2024-25 तक। योजना में राजस्थान के 17 जिलों की 48 पंचायत समिति की 1,144 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे और भूजल के स्तर को बढ़ाने का भी प्रयास होगा। अब बात करते हैं जल ग्रहण विकास, वाटर सेड डेवलपमेंट जो है उसकी बात हम करेंगे। तो राजस्थान चूंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.5% इसमें आता है। राज्य की 342 लाख हेक्टेयर भूमि में से 100 लाख हेक्टेयर भूमि को बंजर माना जाता है क्योंकि बहुत सा तो मरुस्थलीय क्षेत्र है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो ऊसर हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बात करें तो पानी की उपलब्धता मात्र 1.16% है, मतलब जो क्षेत्रफल है पूरे देश भर का जो क्षेत्रफल तो हमारे पास 10.5% है लेकिन पानी केवल मात्र जो है 1.16% है।
और इसीलिए आवश्यक है कि वाटरशेड का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए एक योजना हमारे यहाँ पर शुरू की गई है जिसका नाम है राजीव गांधी जल संचय योजना। दोस्तों योजना 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी के जन्मदिवस पर शुरू की गई राज्य के 33 जिलों में। तो अब ये योजना बहुत महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। तो जो पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान था उसी के स्थल पर आप मान सकते हो कि उसके स्थान पर राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की गई है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पर भी 2016 में प्रश्न आया था तो ये राजीव गांधी जल योजना भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। योजना के माध्यम से जितने भी हमारे अलग अलग स्टॉक्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जितने भी वर्ग हैं, कॉरपोरेट हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो, धार्मिक ट्रस्ट हो, सबको साथ लेकर के और जल संचय के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसी अवसंरचनाएं जो या तो पहले से निर्मित है या जहां नई बनाने की जरूरत है वो काम इसमें हो रहा है। 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉक में 4000 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिनमें 2 वर्ष की अवधि के लिए काम किए जाएंगे। तो राजीव गांधी जल संचय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि 2020 में लागू हुई है। इसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड कंपोनेंट भी एक है जिसके अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य का 60:40 है और राज्य में भी लगातार जो है वाटरशेड के मैनेजमेंट के लिए, वाटरशेड को बढ़ावा देने के लिए और उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वाटरशेड किसे बोलते हैं? जल संभर। तो नदी जिस क्षेत्र से अपना जल ग्रहण करती है उसी को हम वाटरशेड या जल ग्रहण क्षेत्र या जल संभर क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसी में छोटा सा टॉपिक है, राज्य में भंडारण व्यवस्था। तो राजस्थान में भंडारण का काम राजस्थान राज्य भंडारण निगम करता है और अलग अलग तरीके से गोदामों और भंडार गृहों के माध्यम से किसानों की उपज, उनके बीज और अन्य चीज़ों का भंडारण करने का काम करता है। राज्य में कुल 31 जिलों में लगभग 16.20 लाख मीट्रिक टन के साथ 93 भंडार गृह हैं, ठीक है। कितना? 16.20 लाख मीट्रिक टन। वर्ष 2020-21 के दौरान माह दिसंबर 2020 तक लगभग 15.46 लाख मीट्रिक टन क्षेत्र का उपयोग हो रहा है जो कि कुल भंडारण क्षमता का 95.43% है। इसमें भी जो भंडारण शुल्क है इसमें छूट दी जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति को 70% और अन्य किसानों को 60%, जबकि सहकारी समितियां अगर अपना सामान रखना चाहे तो 10% की छूट उनको भी दी जाती है। बस यही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिनको आपको इस जल संचय और भंडारण व्यवस्था में से प्राप्त जो है याद करना है। चलिए यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा में हम पशुपालन पर चर्चा करेंगे और पशुपालन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।